वॉल्यूम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ आइसक्रीम मेजर, एक आइसक्रीम का एक बॉक्स है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, ये आइसक्रीम बॉक्स है। इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है लेंथ, और विड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है इसकी 8 सेंटीमीटर, इसकी तीनों दी हुई है। अब इसमें बोल रहा है कि इस कट इनटू क्यूबॉइडल पीसीज ईच मेजरिंग 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसकी क्यूबॉइडल पीसीज में से कट किया गया है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का। हाउ मैनी पीसीज विल बी फॉर्म, तो बताइए कि उस आइसक्रीम के कितने पीस बनेंगे। ये क्यूबॉइडल पीस है, उसके इतने इतने पीस किए गए हैं तो कितने पीस बनेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ आइसक्रीम निकालेंगे। ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 जा 96 और 96 10 जा 960 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो उसमें से काटा गया है पीस, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पीसेस, क्यूबॉइडल पीस का वॉल्यूम क्या होगा, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। 2 5 जा 10, 10 8 जा 80 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो इसकी जो कटिंग कट की गए हैं, पीस बनाए गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, ब्रिक्स में से जो काटा जाता है, वो आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है वो है 80 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी पीसीस विल बी फॉर्म्ड, तो निकालना है पीसीस विल बी फॉर्म्ड। इसको आप 80 से 960 को डिवाइड कर देंगे, 81 जा 80, 82 जा 160, तो नंबर ऑफ पीसीज उसमें से बने हैं 12 पीस। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वुडन ब्लॉक मेजरिंग 2.5 मीटर, 1.2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है 2 मीटर में, तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि क्यूबॉइड है ये, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ दी हुई है 2.5 मीटर और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 25 बाय 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 से 10 कट गई तो 250 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ब्रिथ आ जाएगी 1.2 इक्वल टू 12 बाय 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, 10 से 10 कट जाएगी तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर। अब लेंथ की जगह लिखेंगे 250 सेंटीमीटर, ब्रिथ की जगह लिखेंगे 120 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 70 सेंटीमीटर। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करने से आता है 300, 25 12 जा 300, 10 2 0 और इसकी भी 10 लगा लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, साथ में आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, 7 3 जा 21, 1 2 3 4 5, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकल गया 21 लाख। नेक्स्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, उसकी एज दी हुई है। क्यूब का अभी मैंने आपको बताया था इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, अब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होगी, ये क्यूब है, इसकी ये साइड भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज। एज दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, 7 7 जा 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, 343 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ए क्यूब 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, इसमें एज भी लिख सकते हैं और साइड भी लिख सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, ये है 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको 45 है,
45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 22, 4 5 ज़ा 20 कैरी का 2, 4 4 ज़ा 16 17 18, 5 2 8 2 10, ये आ गया 2025। अब इसको फिर 45 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 5 2 ज़ा 10, 0 था तो इसलिए ये 12 पूरा लिखा, 4 5 ज़ा 20 कैरी का 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, अगला नंबर 0 इसलिए 10 पूरा लिखा, 4 2 ज़ा 8। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 1 1 8 और 8 9। अब इसमें भी पॉइंट के बाद एक है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो टोटल हो गए 3, तो 3 से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 91.125 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हम इस तरह से निकालते हैं, अगर आपको कोई फिगर दी हुई है, क्यूबॉइड शेप में फिगर दी हुई है, ये आपका क्यूबॉइड है, इसको बनाने का तरीका यही होता है, ये इस तरह से लगा दिया, अब ये नीचे आया, ये थोड़ा सा ये ऊपर गया, ये क्यूबॉइड बन गया आपका, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर और विड्थ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 25 5 ज़ा 125 और 10 की एक ज़ीरो लग जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद करके आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।